बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ रही है, स्टॉक मार्केट बेहतरीन जा रही है, रुपया मजबूत हो रहा है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए सिक्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है और अब एक न्यूली एस्टैब्लिश कंट्रोल रूम में मौजूद है स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट और उसके बॉस तैयब साहब। तैयब साहब, ये अपने पुलिस की वर्दी पहनी है, क्या वर्दी पहनी है? सर, ये एसपीओ की वर्दी है, ये पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर बिल्कुल। अच्छा, ये स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट की यूनिफॉर्म है और ये हमारा बैच है। बैच है। अच्छा, ये कंट्रोल रूम क्या है बताइए? सर, ये कंट्रोल रूम बेसिकली हमने इसलिए बनाया कि हम यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सर, टोटल फॉरेनर्स अराउंड द ग्लोब हमारे पास पंजाब में इस वक्त 1349 फॉरेनर्स प्रेजेंट हैं जिनको एसपीयू प्रोटेक्ट कर रही है। इसमें चाइना के इतने हैं सर, यूएसए है, ये कंट्रोल रूम बनाने का इतना लेटेस्ट जो आपने बनाया है वो हमारा मकसद क्या था? सर, इसका मकसद जो है एक ही मकसद था कि हम वेहिकुलर मूवमेंट को हम चाइना, हम ये देखने जा रहे हैं कि गाड़ियां जो है ये पूरे पंजाब में आपकी कहाँ चल रही है। जी, पंजाब में गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन हम गाड़ियों के अंदर नहीं थे देख सकते कि चाइनीज या फॉरेन नेशनल्स हमारे सेफली ट्रेवल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इस टाइम पे आपने पिछले साल कितने किलोमीटर तक इनको एस्कॉर्ट किया फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स वालों को? सर, हमारी 450 से ज्यादा सॉर्टीज हुई, 450 से ज्यादा मूवमेंट्स हुई हमारी हाईवेज के ऊपर गाड़ियों की, और उसमें हमने 14 लाख किलोमीटर सफर तय किया। 14 लाख किलोमीटर की प्रोटेक्शन करने वाले के। अच्छा, ये सिस्टम हमारे पास जीपीएस बेस्ड है, लेकिन ये तो पहले भी होता था, लेटेस्ट आपने क्या किया? लेटेस्ट सिस्टम हमने ये किया कि सर, हमने आरटीवीएस रियल टाइम विजुअल हमने सर्वेलेंस सिस्टम लगाया। हमने जो इनकी स्क्वाड्स हैं और जो व्हीकल्स होंगी फॉरनर्स की, उनके अंदर भी हमने जीएसएम बेस्ड कैमरे लगवा दिए। तो ये पहला भी कमरे की तस्वीरें हम आपसे शेयर करेंगे कि पहले के जीपी आते थे, पहला कमरा से ही वो हमें शेयर कर लेंगे, हम दिखा देंगे लोगों को और सरकार के वालों को। तो ये जो है ये इस पर लाइव आप देख रहे हैं, हम आप तमाम गाड़ियों में कर लेंगे कुछ दिनों में। जी, इंशाल्लाह, ये तमाम एसपीओ की गाड़ी, ना सिर्फ हमें पता होगा गाड़ी किधर है, उसके अंदर क्या हो रहा है, वो गाड़ी क्या देख रही है, एग्जैक्टली वो क्या बातचीत चल रही है, और ये हम इंशाल्लाह बड़ा दुनिया का लेटेस्ट सिस्टम है। सर, ये लेटेस्ट सिस्टम होगा, ये पंजाब में पहली दफा होगा इंशाल्लाह। और मोटरवे के ऊपर किसी रोड के ऊपर भी गाड़ी रियल टाइम में भी स्टॉप होती है तो हमारा ऑपरेटर पे जो हमारे नौजवान लड़के कर रहे हैं और ये जो चल रहा है, ये क्या चल रहा है, ये सारा इनके सर ये मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ये हमारे तमाम प्रोजेक्ट को भी मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे 400 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर 68 प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम लगे हुए हैं। आप ये पाकिस्तान में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के इतने प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें आप भी कर रहे हैं, पाकिस्तान की अफवाज भी कर रही है। अच्छा, और इसके अलावा और भी दीगर हमारे जी सर, पुलिस कर रही है, रेंजर्स कर रही है, यही हमारे साथ शामिल है, पंजाब पुलिस पूरी की पूरी शामिल है। अच्छा, आप जो कर रहे हैं वो यहाँ पे भी तो देख रहे हैं साथ साथ? जी बिल्कुल, ये इनको देख रहे हैं सर, ये मुझे डेली रिपोर्ट करते हैं, आवरली रिपोर्ट करते हैं। अच्छा, ये जो बड़ा खूबसूरत सा आपने कंट्रोल रूम बनाया, वर्क एनवायरनमेंट आपने चेंज की है, तो इसमें सारा का सारा पैसा हमारे टैक्सों का लगा है या ये हमारे यानी किसी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की तरफ से भी कोई हमें इसमें आया है? सर, हमें बिल्कुल हमारे चाइनीज फ्रेंड्स की तरफ से हमें ये रेनोवेशन जो है, रेनोवेशन है उनका बहुत बड़ा रोल है सर, और ये आइडिया हमने मिल के इकट्ठे बैठ के बनाया था और उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, तो इसके बाद हम यार बेटर इक्विप्ड और आपके बंदूक की ट्रेनिंग भी की जा रही है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सर, हम मॉक एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, रात को 1 से 2 बजे मॉक एक्सरसाइज हो रही है, उसके विजुअल्स भी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर तक, और रियल टाइम के अंदर वो भी यहाँ पे स्टडी की जाती है मॉक एक्सरसाइज। चलो, बेस्ट ऑफ लक जी। सर, थैंक यू, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू कि आपके होते हुए ये सारा का सारा सिस्टम अपग्रेड हुआ और दुनिया के लेटेस्ट सिस्टम इसके अंदर। सो मच अल्लाह ताला पंजाब पुलिस का और तैयब की वजह आपका और आपकी फोर्स का।